आजचा दिवस हा इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षराने लिहिण्यासारखा दिवस आहे। आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे, मुंबई आणि हा सगळा भाग देशाची आर्थिक राजधानी झाला, कारण मुंबई मध्ये मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट मुळे आपण नंबर वन ठरलो। आता त्याच्यापेक्षा तिप्पट मोठं वाढवण बंदर या ठिकाणी तयार होत आहे। गेले 30 वर्ष 40 वर्ष आपण नंबर वन जेएनपीटी आणि मुंबई पोर्ट मुळे राहिलो, पुढचे 50 वर्ष महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर राहील या वाढवण बंदरामुळे। आणि केवळ ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण, क्योंकि 80 के दशक में वाढवण में पोर्ट हो इसकी संकल्पना की गई। ध्यान में यह आया कि पूरे देश में 20 मीटर डीप ड्राफ्ट केवल वाढवण में हमको उपलब्ध है और कहीं नहीं है। इसलिए यहां पर अगर पोर्ट तैयार होगा तो भारत एक मैरिटाइम पावर बनेगा। किंतु 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने डहाणू का नोटिफिकेशन निकाला, एक कमेटी तैयार की और जन्म से पहले ही वाढवण पोर्ट की मृत्यु हो गई। और उसके बाद सबने कह दिया अब ये पोर्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार आई, आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में हम सभी को काम करने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद से हमने इसे वापस जीवित किया। और सबसे महत्वपूर्ण कोई काम किया तो हमने नया राइट ऑफ वे ढूंढकर निकाला जो डहाणू नेचुरल अथॉरिटी के बाहर था, और एक ऐसा राइट ऑफ वे जिससे पर्यावरण को कोई धोखा नहीं हो सकता। और उसके कारण ये जो 91 का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन से ये वाढवण पोर्ट बाहर निकला और आपने इसको नेशनल पोर्ट का दर्जा दिया। और मुझे बहुत खुशी है, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह हम लोग जीतते गए और आज की यह परिस्थिति है कि वाढवण का शिलान्यास आपके हाथ से हो रहा है। और मैं ऐसा कहता हूं, किसी भी देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया होता है जो उस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। प्रधानमंत्री जी, अगले 200 साल तक ये वाढवण का जो पोर्ट है, इस पोर्ट के कारण आपका जो नाम है वो इतिहास में दर्ज होगा कि भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर किया। और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।